नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। यूपीएटी सर आजमगढ़ पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में पुलिस ने अंतर जनपदी असलाह तस्करी का खुलासा करते हुए दो साथी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो तस्कर फरार हो गए। पुलिस गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 10 पिस्टल, 20 कारतूस आदि बरामद किया। पुलिस फरार आधा तस्करों के आरोप में जुटी हुई है। यूपी एटीएस की टीमों की जानकारी मिली कि आजमगढ़ और आसपास के जिलों में अवैध असलहों के दूसरे राज्यों से तस्करी बेचने का गोरख धंधा चल रहा है। जानकारी के बाद यूपी एटीएस ने असलाह तस्करों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया। यूपी एटीएस शहर कोतवाली पुलिस के साथ शनिवार की तड़के आजमगढ़ बस स्टेशन के आसपास के इलाकों में घेराबंदी की। तड़के करीब 4 बजे पीठ पर लादे बैग लेकर दो व्यक्ति जज्जी के मैदान की तरफ बढ़े। इसी दौरान एक कार आकर रुकी। दोनों अपने बैग रख कर बैठने वाले थे कि पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार में रखे बैग की तलाशी ली। उसमें 32 बोर की 10 पिस्टल, 20 कारतूस, कार व मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों में राम शब्द यादव उर्फ मंत्री उर्फ बुढ़वार निवासी रशीदाबाद जीएनपुर और संजय यादव निवासी गजहड़ा मुबारकपुर शामिल हैं, जबकि दो तस्कर फरार हो गए। एसपी सिटी सैनला ने बताया कि यूपीएटीएस और आजमगढ़ पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में दो अंतर जनपदीय असलाह तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 10 पिस्टल, 20 कारतूस व अन्य सामान बरामद हुए हैं। ये सभी मध्य प्रदेश से पिस्टल लाकर जिले में बेचते थे। पुलिस इनके द्वारा बेचे गए लोगों व जहाँ से खरीद कर लाते थे उनकी भी तलाश कर रही है। तस्करों में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। हम दोनों तस्करों के खिलाफ आजमगढ़ व आसपास जनपदों में 32-32 थाना कोतवाली आजमगढ़ में जॉइंट ऑपरेशन एटीएस व थाना कोतवाली के द्वारा जो चलाया गया, इसमें दो शातिर अपराधी राम शब्द यादव जो जीएनपुर का रहने वाला है व संजय यादव जो मुबारकपुर का रहने वाला है, इनकी गिरफ्तारी करी गई है। इनके पास से 10 पिस्टल्स, 20 उनके मैगजीन्स जो 32 बोर के हैं बरामद हुए हैं व इनके पास से कारतूस व मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। यह पिस्टल्स मध्य प्रदेश से खरीद कर लाए थे व इनको लोकल क्षेत्र में बेचना था। राम शब्द के ऊपर आजमगढ़ व मऊ से मुकदमे हैं। पुलिस इन सभी लोगों की तलाश कर रही है जिनको ये सप्लाई जानी थी और जिनसे सप्लाई इसको प्राप्त हुई थी। पुलिस सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करेगी व इनके प्रॉपर्टी जब्ती करने की भी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।